खबर, आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। वेस्ट बंगाल चुनाव में भवानीपुर में हुए हंगामे पर ईसी ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, बीजेपी बोले रद्द चुनाव। 7 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे महंत नरेंद्र गिरी केस के तीनों आरोपी आनंद आज्ञा और संदीप। राकेश टिकैत बोले भारत बंद सफल रहा, सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, बोले हम नहीं बल्कि सरकार जिद पर अड़ी है। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए रची गई गैंगस्टर गोगी की हत्या की साजिश, पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। चीन में नई वैक्सीन से जागी उम्मीद, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 69% तक है असरदार। पाकिस्तान में बलूच आतंकवादियों ने मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को बम से उड़ाया, जून में हुई थी स्थापित। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में इंदौर समेत 7 जिलों में होगी भारी बारिश, ग्वालियर चंबल संभाग में बूंदाबांदी के आसार। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आज तेजी, बिटकॉइन में देखी गई मामूली बढ़त। सानिया मिर्जा ने सीजन का पहला खिताब किया अपने नाम, ओस्ट्रावा ओपन में चीन की झांग के साथ बनी डबल्स चैंपियन। प्रभास और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट की हुई घोषणा, 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी फिल्म, फिल्म रक्षण बंधन भी उसी दिन होगी रिलीज, एक ही दिन रिलीज होने जा रही हैं दो बड़ी फिल्में। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।